सेटिंग करना है, 4 सॉकेट 4 स्विच देख सकते हैं, सिर्फ जितना 5 बोर्ड है 5 बोर्ड में सिर्फ यही सेटिंग करना है, 4 सॉकेट और 4 स्विच देख सकते हैं। और कंपनी तरफ से कट गया और बहुत सारा कटिंग करना है, देख सकते हैं यहाँ पे चेना दिया होगा, देखिए चेना दिया होगा, यहाँ चेना से आप क्या कर सकते, यहाँ पे चेना से कटकट हटा दीजिएगा यहाँ से, और इसमें आपको स्विच सेटिंग करना होगा इतना कटिंग करना होगा, और सॉकेट सेटिंग करना होगा आपको यार जो पूरा जितना चेना लगा हुआ है पूरा आपको कटकट हटाना होगा। यहाँ पे होल के लिए भी जगह दिया हुआ, आप यहाँ से भी इसको होल करके अपने स्क्रू कर सकते हैं। इसको कटिंग करने के लिए आपके पास एक चीजल होना चाहिए छेनी, देख सकते हैं हम अपने हाथ से रेडीमेड जो बनाए हुए हैं चीजल, पतला सा मूव करके इसको कटिंग करने के लिए आपको हम सो कटिंग करके दिखाते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे स्विच हो गया, इंडिकेटर हो गया, फ्यूज हो गया, यहाँ पे सॉकेट हो गया, हम पूरा इसमें सेटिंग करके आपको बताएंगे एक एक कैसे कैसे सेटिंग किया जाता है, कैसे वायरिंग किया जाता है सब हम आपको बताएंगे। इसमें स्विच हो गया, सब चलिए सबसे पहले इसको कटिंग कर लेते हैं, कटिंग कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। इस बोर्ड को लेना है, बोर्ड पर इस तरह से नहीं आपको उल्टा कर लेना, उल्टा करने में तो देख सकते हैं चेना जो लगा हुआ है, इस चेना को हम जो छेनी जो है पतला सा इसको हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, इसको इस तरीके से लेना है और देखिए एक हथौड़ा लेना है, इसको धीरे धीरे आस्ते आस्ते कटिंग करेंगे। देख सकते हम कटिंग कर दिए, चेना मार दिए, देख सकते आराम से दाबिएगा, आराम से आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया है, इसमें नहीं है, देखिए एक नंबर पर कितना फ्रेश कटिंग हो गया है। इसमें हम सॉकेट सेटिंग करेंगे, इसके बगल यहाँ भी सॉकेट सेटिंग करेंगे, यहाँ पे जो कट को निशान देंगे यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम आपको पूरा कटिंग करके आपको दिखाते हैं, आपको समय बर्बाद नहीं करेंगे। कटिंग कर लिए हैं, देख सकते हैं 4 सॉकेट हम कटिंग कर लिए हैं, अब इसमें 4 स्विच इसका चारों का सॉकेट का चारों स्विच नीचे आ जाएगा, देख सकते हैं कटिंग कर लिए, कितना फ्रेश कटिंग हो गया है देख सकते हैं। पहले फटाफट जो इस यहाँ पे होल का जो सेटिंग दिया है यहाँ पे एकदम होल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम होल भी कर लिए, फटाफट इतना फ्रेश हो गया हो देख सकते हैं, और थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा चाकू से सर दीजिएगा, इसको एक नंबर हो जाएगा देख सकते हैं, मैंने कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से मैं आपको फाइनली इसको हम कटिंग कर लिया, कटिंग करने में इसको हम पूरा फिटिंग करते हैं, फिटिंग आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से आपको पाँचों प्लेट क्लियर करना है, चलिए आपको हम दिखाते हैं इसको फिटिंग करके। तो सबसे पहले मेरे पास देखिए स्विच देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच है, 4 स्विच लेंगे, एक फ्यूज हो गया, एक इंडिकेटर, फ्यूज इंडिकेटर नहीं लगेगा, सिर्फ खाली 4 स्विच लगेगा, इसमें 4 स्विच लगेगा और 4 सॉकेट लगेगा, देख सकते हैं 4 यहाँ पर 5 पिन सॉकेट है देख सकते हैं, यहाँ पर 5 पिन सॉकेट लगाएंगे। चलिए फटाफट इसको मार लेते हैं, देखिएगा फाते बस में स्क्रू को दिया जाता है, देख सकते हैं स्क्रू ध्यान रहे, स्क्रू मिस ना हो। सॉकेट का स्विच है देख सकते हैं, देखिए हमने खाली फाड़ लिया, एक सेटिंग करेंगे, देखिए ये सॉकेट है, इसको इस तरह से लगा के आपको इसको नट खोल लेना है, नट बोल्ट देखिए आपको हम ये प्रूफ करके दिखाते हैं। सारी पुलिस देख सकते हैं सोगल कस लिए, इसी तरीके से आपको 4 सोगल कस लेना है। चलिए फटाफट आपको कस दिखाते हैं,
देखिए फाइनली हम कस दिए हैं 4 सॉकेट और 4 स्विच, चारों सॉकेट या फिर स्विच रहेगा कनेक्शन।